रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट कॉलोनियों से लेकर सड़कों पर दिखी होली की उमंग हिंदू उत्सव समिति ने निकाला विशाल जुलूस बेगमगंज रंग गुलाल और अबीर के साथ एक दूसरों को सराबोर करने की होड़ लगी रही होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्योहार होली शुक्रवार को हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया क्या अमीर क्या गरीब सभी एक ही रंग में नजर आ रहे थे हर तरफ होली की धूम थी बच्चे बूढ़े जवान सभी लोगों को होली की मस्ती में मस्त थे होली महत्व सब धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से बेगमगंज में मनाया मनाया गया। गया। बेगमगंज में होली की उमंग गुरुवार की शाम से ही दिखने लगा था होल का दहन के बाद ही लोगों ने होली के रंग में रंगने लगे थे सुबह होते होते लोग होली की मस्ती में डूब गए बच्चों की मस्ती तो एक दिन पहले से ही दिखने लगी थी होली है होली है कि गूंज हर गली मोहल्ले में गूंजने लगी थी गांव हो या शहर हर जगह होली की उमंग और उत्साह का एक सामान था युवाओं को भी अपनी अपनी महफिल जमी हुई थी यह नजारा मोहल्ले के हर कॉलोनी गली और चौक चौराहे पर देख रहा था हिंदू समिति अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में धूमधाम एवं ढोल लगाड़ों के साथ विशाल जुलूस निकाला गया जो पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ और गांधी बाजार कबीर चौराहा, बजरिया किला काजी मोहल्ला पक्का झुरैया मंदिर, सागर पुलिया से पुराना बस स्टैंड पर पहुंचा जुलूस का समापन हुआ जुलूस में हुरियारे डीजे व ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे जुलूस में शामिल हुए विधायक देवेंद्र पटेल ने साथियों सहित युवाओं के साथ नचकर होली का आनंद उठाया होली को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए सभी को संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट पीतल क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को जमाबार में शिफ्ट करने को लेकर प्रशासन और विधायक हुए आमने सामने प्रशासन का कहना है कि जामबार में रेट कम करने के बाद व्यापारी वहां शिफ्ट होंगे वहीं पेस्टिसाइड को भी शिफ्ट करने के निर्देश दिए विधायक और पेस्टिसाइड फैक्ट्री के संचालक शशांक भार्गव ने कहा कोई नीति तैयार नहीं हुई है अखबारों में छपी खबर को लेकर भी विधायक ने कटाक्ष किया शहर को पीतल मिल चौराहे के नजदीक बसी इंडस्ट्रियल एरिया की पेस्टिसाइड फैक्ट्री जामबार बागरी में शिफ्ट करने के निर्देश पिछले दिनों शासन और प्रशासन के द्वारा दिए गए थे लेकिन अब तक अधिकांश पेस्टिसाइड फैक्ट्री पीतल मिल पर ही मौजूद है इसे लेकर जब विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से बात की गई तो उनका कहना है कि प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई थी साथ ही व्यवसायी उस भी बैठक में जा चुके थे और पेस्टिसाइड को जामबार बागरी में शिफ्ट करने के निर्देश जारी हुए थे जामबार में औद्योगिक क्षेत्र में जमीन के दाम भी सरकार ने आधे कर दिए हैं भाई इस पर पूरे मामले में को लेकर उद्योगपति और विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहना है कि पंद्रह को लेकर कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है ना ही अब तक कोई नीति बनाई गई है अखबारों में छवि खबर को आधारहीन बताया उन्होंने यहां तक कहा है कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए अखबार में इस प्रकार की बातें छापी गई हैं विदिशा